नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघर पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूँ तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था।
मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी
और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें
17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे
पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी और भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है।
इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ
यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं।
तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं, तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं, तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी
और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको
रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं।
आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघर पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघर पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था।
मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म
काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ ये 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघर पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूँ तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें
17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे
पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ ये 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ ये 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है।
इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ
यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ ये 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं।
तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं, तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं, तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी
और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं, तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं, तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में
आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLG यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था, और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ यह 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में,
मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ ये 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी कि DDLJ मूवी के बारे में आपको रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस मूवी की लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स थे, इस मूवी ने कितनी कमाई की थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था और इस मूवी को कब बनाया गया था, कब लोगों के बीच सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और ये कौन सी भाषा में फिल्म है, इसके मुख्य किरदारों ने किस तरीके से भूमिका अदा किया था और इस मूवी को जो है वह कितनी रेटिंग मिली है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मूवी रिव्यू और फैक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो DDLJ ये 1995 में बनी एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिल्म का निर्माता निर्देशन और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में लीड रोल में आपको शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी मुख्य रूप से दिखेंगे। फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को इसे पूरे भारत में प्रदर्शित कर दिया गया। इस फिल्म की अगर लागत की बात करूं तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी खासी भारत में इसके जो 58 करोड़ रुपये कमाई हुई थी, जबकि विदेशों से इसमें 17.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। विदेश में भी यह सिनेमा सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। एक फिल्म किसी भी सिनेमाघरों पर ज़्यादा समय तक चलने वाला कीर्तिमान है। यह फिल्म काफ़ी अच्छी और हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान यानी किंग खान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म DDLJ रही थी, जो कि उनके करियर का सबसे लाजवाब फिल्म रहा था। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल
और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।